हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैथ्स पॉइंट। दोस्तों आज 16 अक्टूबर 2020 और आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक। हाल ही में विश्व ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर। हाल ही में विश्व ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। इसे विश्व छड़ी दिवस में मनाया जाता है। दोस्तों 15 अक्टूबर को विश्व छड़ी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व ग्रामीण महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला 15 अक्टूबर 2008 को मनाया था, जबकि विश्व छड़ी दिवस सफेद छड़ी लेकर चलने वाली दृष्टिहीनों की मदद के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। दोस्तों 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया दोस्तों। और ये दिन ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने में ग्रामीण महिलाओं और स्वदेशी महिलाओं के महत्व और योगदान की पहचान कराता है। दोस्तों इस बार का विषय मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं की प्रतिरोधक क्षमता। कोविड-19 के मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं की प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण, ये इस बार का विषय दोस्तों, थीम है दोस्तों इसके विश्व ग्रामीण महिला दिवस की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इस शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ हुआ है? इसके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, जयपुर और दोस्तों मैसूर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येशो नाइक ने चेन्नई शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेजा ने किया है। दोस्तों क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र ये चेन्नई में शुभारंभ किया गया। दोस्तों चेन्नई कहाँ है? दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है। तो तमिलनाडु चेन्नई है। मुख्यमंत्री यहाँ के ईके पलनीसामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों तमिलनाडु बाजार कर्ज में शीर्ष पर है, मछली उत्पादन में भी शीर्ष पर रहा था तमिलनाडु। दोस्तों गुजरात को पछाड़ करके इस बार तमिलनाडु दोस्तों शीर्ष पर रहा था मछली उत्पादन। मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला संगीत संग्रहालय दोस्तों कहाँ खुलने जा रहा है? चेन्नई में। दोस्तों मैप में देखते हैं, ये रहा तमिलनाडु मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग की किस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी? इसके ऑप्शन जनधन योजना, स्टार्स योजना, कर्मयोगी योजना, कर्तव्य योजना। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्स योजना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक से प्राप्त 5718 इतने दोस्तों 5718 करोड़ रुपए परियोजना स्टार्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च फॉर स्टेट्स को मंजूरी दे दी। इस परियोजना भारत के 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा शामिल है। दोस्तों स्टार्स योजना के तहत विश्व बैंक की योजना है। दोस्तों विश्व बैंक के सहयोग से 5718 करोड़ रुपए दोस्तों दिए गए। स्टार्स के फुल फॉर्म स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च फॉर स्टेट्स। अब दोस्तों विश्व बैंक ने, तो विश्व बैंक बारे में देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1914 में और वर्तमान हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, जो कहाँ है? यूएसए में। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वहीं इसका हेडक्वार्टर। और दोस्तों यूएसए में एक और हेडक्वार्टर है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 14 अक्टूबर 1945 को। और इसके वर्तमान सदस्य देश है 193। 193 सदस्य देश है साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन्हें कृषि एवं खाद्य संगठन फाओ की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की? इसके ऑप्शन 100, 200, 75, 50। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 75। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन फाओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की। साथ ही पीएम मोदी के विकसित 8 फसलों की 17 जैव संबंधी किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोस्तों ये फाओ की दोस्तों 75वीं वर्षगांठ थी, 75 रुपए का सिक्का श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया दोस्तों। और दोस्तों अभी 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ था दोस्तों, वो अभी नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया था, जो बीजेपी के संस्थापक थी श्री विद्या देवी, उनके दोस्तों उनकी 100वीं जयंती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया? इसके ऑप्शन है लियोनेल मेसी, केलियन एम्बापे, नेमार जूनियर, इनमें से कोई। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेमार जूनियर। हाल ही में ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में ब्राजील के नेमार जूनियर ने 103 मैचों में 64 गोल कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो 98 मैचों में 62 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने देश के लिए 2 वर्ल्ड कप, 2 कोपा अमेरिका और 1 कॉन्फेडरेशन कप भी जीते हैं दोस्तों।
नेमार जूनियर जो ब्राजील के रहने वाले, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक बहुत ही दिग्गज फुटबॉलर है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी मानक से किसने सम्मानित किया? इसके ऑप्शन है नेपाल सरकार, भारत सरकार, भूटान सरकार, चीन सरकार। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल सरकार। हाल ही में नेपाल सरकार ने भारतीय आर्मी के जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी मानक रैंक से सम्मानित किया। नेपाल सरकार ने किया दोस्तों। नेपाल के नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा है रुपया और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री है खड़क प्रसाद ओपी ओली, जैसे केपी शर्मा ओली बोलते हैं दोस्तों, केपी शर्मा ओली, उनका फुल नाम है खड़क प्रसाद ओली। हम नेपाल को मैप में देखते हैं, ये रहा दोस्तों नेपाल मैप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? 5%, 10%, 50%, 33%। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 33%। हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। पंजाब ने किया तो पंजाबी राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। दोस्तों पंजाब के बारे में, अब पंजाब को मैप में देखते हैं, ये रहा दोस्तों पंजाब मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थ शॉट पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन प्रिंस विलियम, डेविड एटनब्रो, ए वे बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए वे बी दोनों। हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन के प्रिंस विलियम कैम्ब्रिज के ड्यूक के साथ ब्रॉडकास्टर और प्रतिवादी सर डेविड एटनब्रो के अगले 10 वर्षों में ग्रह की मरम्मत के लिए परिवर्तन और समर्थन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य एक नया पर्यावरण पुरस्कार अर्थ शॉट पुरस्कार, दोस्तों नया पर्यावरण पुरस्कार है ये दोस्तों अर्थ शॉट, जिसे अभी लॉन्च किया है प्रिंस विलियम डेविड और एटनब्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AIFF ने अपना नया आदर्श वाक्य कौन सा रखा है? इसके ऑप्शन है भारतीय फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर, एक टीम एक सपना, एक के रूप में उदय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। दोस्तों भारत में फुटबॉल के शीर्ष निकाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक नया आदर्श वाक्य इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर शुरू करने की घोषणा की। आदर्श वाक्य संगठन के मूल मूल्यों जुनून, सम्मान, नेतृत्व, टीम वर्क, अखंडता, व्यावसायिकता और समावेशिता को दर्शाता है। AIFF ने अपना नया आदर्श वाक्य रखा है दोस्तों, AIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1937 में थी, वर्तमान हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और वर्तमान हेड इसके प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 की संघाई सहयोग संगठन की सातवीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों इसके ऑप्शन चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में भारत के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संघाई सहयोग संगठन SCO के नए कानून और न्याय मंत्रियों की सातवीं बैठक की मेजबानी करेंगे। 16 अक्टूबर को होने वाली इस आभासी बैठक में चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य के कानून और न्याय मंत्री भाग लेंगे। भारत विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी भी करेगा दोस्तों। संघाई की सातवीं बैठक होगी दोस्तों, उसको भारत की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ADB ने 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण किस राज्य को दिए जाने की हस्ताक्षर किए? इसका ऑप्शन महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत सरकार ने सोमवार को मध्य प्रदेश में शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण राशि जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए पहले 2017 में 275 मिलियन डॉलर का ऋण अनुमोदित किया था और अब 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण अनुमोदित किया है। अब मध्य प्रदेश के लिए क्या है, तो मध्य प्रदेश का नाम देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कहा कि यूपी की भी राज्यपाल है, इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया। संकल्प योजना दोस्तों ये मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा वहाँ के बुजुर्गों के लिए शुरू की गई थी। इसमें बुजुर्गों से संबंधित जितनी भी योजनाएं आएंगी दोस्तों, उनके खान पान, रहन, हेल्थ से संबंधित सभी योजना इसके तहत पूर्ण की जाएंगी। जीवन शक्ति योजना दोस्तों, मैं जब भी इनके बारे में बताता हूँ जरूर बताता हूँ दोस्तों, जीवन शक्ति योजना और रोको टोको योजना दोस्तों सिमिलर। जीवन शक्ति योजना दोस्तों महिलाएं मास्क बनाएंगी और वो मास्क 11 रुपये प्रति सर एक मास्क का 11 रुपये यानी कि 11 रुपये प्रति मास्क सरकार को बेचेंगे। और वही मास्क दोस्तों रोको टोको योजना के तहत सरकार ऐसे संगठन बनाएगी जिसमें ऐसे व्यक्ति नियुक्त करेगी जो लोग बिना मास्क घर से बाहर निकलेंगे वो उनको टोकेंगे और उन्हें वो मास्क देंगे, उस मास्क से 20 रुपये प्रति मास्क करेंगे, जिससे जीवन शक्ति योजना के तहत बन रहे मास्क भी वितरित हो जाएंगे और कोविड की रोकथाम के लिए मास्क जागरूकता अभियान भी सही होगी। आसपास योजना सुसाइड केसों को कम करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू की गई।
कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई थी, किल कोरोना अभियान शुरू किया गया था, दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी, चरण पादुका शुरू की गई थी, एफआईआर आपके द्वार शुरू किया गया था दोस्तों। खजुराहो के मंदिर ये कहाँ है दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश में, जिन चंदेल शासकों ने इनको इनका निर्माण करवाया। इंदिरा सागर बंद नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये रहा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए की लागत से एक इकाई स्थापित करने की घोषणा किस कंपनी ने की? इसके ऑप्शन पेप्सिको, पेटीएम, इन्फोसिस, इनमें से कोई। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, पेप्सिको। हाल ही में पेप्सिको ने दोस्तों मथुरा के उत्तर प्रदेश में एक इकाई स्थापित करने की घोषणा किया दोस्तों, पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, एमपी की राज्यपाल हैं दोस्तों ये। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई थी, ये फ्लिपकार्ट के साथ सहयोग करके दोस्तों शुरू की गई थी। भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में खुला था दोस्तों। प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया गया था, जियो टैग कमेटी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना था यूपी, और वर्चुअल अदालतों की जो सुनवाई करने वाला राज्य भी बना था यूपी दोस्तों। और दोस्तों कोविड की सबसे ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा जांचें दोस्तों ये यूपी सरकार द्वारा की गई है, और यूपी में ही मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा यूपी में ही रोजगार दिया गया था। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक। दुधवा नेशनल पार्क यूपी का नेशनल पार्क। अब मैप में देखते हैं यूपी को, ये रहा दोस्तों यूपी मैप। कल का क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में सेंड्रा न्यूज लाइफ टाइम अचीवमेंट किसने जीता? इसके ऑप्शन हरीश कोटेजा, प्रवीण बसु, महेंद्र वर्मा, एम ए गणपति। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरीश कोटेजा। दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था, देख लीजिए दोस्तों किस किसने इसका आंसर सही से दिया होगा। आई होप आपने सबने आंसर सही से दिया होगा। और आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किसने किया? इसका ऑप्शन गृह मंत्रालय, आरबी, आरके, इनमें से कोई। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।